देखिए इस सर्किट की खासियत यह है कि देखिए अगर मान लो ये वायर अगर खराब है या यहाँ अगर सप्लाई नहीं है तो हम बिना टेस्टर लगाए टेस्टर से बिना वायर को काटे हम चेक कर सकते हैं कि इस स्विच को जैसे हम दबाते हैं तो देखिए लाइट जल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये वायर अपना क्या है सही है और यहाँ पे सप्लाई आ रहा है। अगर मान लो ये वायर खराब होता तो देखिए अगर ये वायर खराब होता यहाँ तक आ रहा है अब यहाँ पे देखिए बंद है। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक वायर अगर खराब होता तो नहीं जलता, अगर वायर सही है तो ये अपना क्या होगा जलना चालू हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रीशियन लोगों के लिए काम मतलब टेस्टर मतलब चेक करना कोई चीज़ के लिए आसान है। अब देखिए सप्लाई है, अभी देखिए बता रहा है अगर अंडरग्राउंड वायरिंग होता अगर वहाँ पर अगर सप्लाई अगर कहाँ से कहाँ पाइप गई है कहाँ सप्लाई लाइन है हम या इसके माध्यम से उसको चेक कर सकते हैं। देखिए अगर मान लो यहाँ पे नहीं जल रहा लाइट मतलब यहाँ पे अपना सप्लाई नहीं है तो अब हम इस सर्किट को कैसे बनाते हैं अब चलते हैं आगे। ठीक है चलिए अब चलते हैं इसके सर्किट पर। इस सर्किट में आईसी 4017 का प्रयोग किया गया है। इसका जो पिन नंबर 16 है इस पर हमको देना है 9 वोल्ट की सप्लाई, ये इसका इनपुट पिन है। इसके अलावा इसमें पिन नंबर 8, पिन नंबर 15, पिन नंबर 13 को अर्थ के साथ जोड़ा गया है। पिन नंबर 1 से एक रेजिस्टेंस 470 ओम का लगा है जो एक एलईडी के द्वारा अर्थ किया गया है। इसका पिन नंबर 14 ये एंटीना पॉइंट है, जैसे इस पर सिग्नल मिलता है तो इसका एलईडी काम करना चालू कर देता है। चलिए अब इस सर्किट को तैयार करते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम एक बैटरी लेंगे, ये 9 वोल्ट का बैटरी है, ये देखिए है ना। इस बैटरी में यहाँ पे प्लस और ये माइनस प्लस। तो अब हमको सर्किट बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं पहले से इसको बना के तैयार करके रखा हूँ। इसमें ये इस मैंने सॉकेट लगा दी, सॉकेट में ये अपना ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब इस कनेक्टर पे जो बैटरी कनेक्टर है इस पे हम बैटरी को लगाते हैं। ये कनेक्ट हो चुका है, अब इसमें देखिए सॉरी बैटरी का वायर टूट गया, इसको जोड़ देते हैं। ये हमने इस पर माइनस जोड़ रहे हैं, जो सफेद रंग का वायर है ये माइनस है। तो ये अपना बैटरी का माइनस है, इस कनेक्टर से हमने इसमें माइनस जोड़ दिए। अब प्लस के लिए किए किए यहाँ पे जो आपको पीला कलर का जो वायर दिख रहा है ये इस वायर को हमने क्या किया यहाँ पे स्विच लगाया, ये है पुश स्विच। इस स्विच के एक सिरे पे हमने ये वायर को जोड़ दिया, स्विच के दूसरे सिरे से दूसरे वायर को जोड़ा, ये आ गया आपका ये प्लस। मतलब इससे क्या होगा जो बैटरी का प्लस है ये अपने ये स्विच तक पहुंच रहा है, जब इस स्विच को दबाते हैं प्लस स्विच को जब दबाएंगे तो ये सप्लाई हमारे पास कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा। मतलब हमने डायरेक्ट बैटरी का प्लस और माइनस को डायरेक्ट ना देकर इसको स्विच में जोड़ दिए। अगर डायरेक्ट देते हैं अगर डायरेक्ट इसको जोड़ देते हैं तो सर्किट को हम ऑन अप नहीं कर सकते, तो सिंपल ये स्विच के माध्यम से गया गया। तो हमारा ये हमारा पावर सप्लाई बन चुका है।
तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब हम क्या चलते हैं, सर्किट को तैयार करते हैं। सर्किट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक पीसीबी लिए, ये है अपना जीरो पीसीबी। अब इसमें हमको क्या करना है, आईसी लगाना है, कौन सा 4017 जो मैंने पहले बता चुका था सर्किट में। तो इसके लिए ये अपना हो गया 4017 का आईसी। तो अब इसको इस किट में फिट करते हैं। ये देखिए हमने एक किट में इसको लगा दिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जो पिन का काम है कौन कौन सा, पिन नंबर 8, पिन नंबर 13, पिन नंबर 14, पिन नंबर 15, पिन नंबर 16 और पिन नंबर 1, बाकी पिन का हमारा कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते पिन नंबर 8। पिन नंबर 8 सॉरी ये नौ हो गया, ये अपना पिन नंबर 8। पिन नंबर 13, पिन नंबर 15, इन तीन पिन को आपस में शॉर्ट करेंगे, मतलब इसको अर्थ के साथ जोड़ना। पिन नंबर 8, पिन नंबर 13, पिन नंबर 15, ये हमारा अर्थ का पिन होगा। तो इन तीनों पिनों को, पिन नंबर 8, 13 और 15 को आपस में हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। पिन नंबर 8, 13, 9, 10, 11, 12, 13 और 15। आठ नंबर से हम ये वायर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसको फिर हम किससे जोड़ते हैं, पिन नंबर 13 से। इसके बाद इसी पिन को हम पिन नंबर 15 के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये हमारा जुड़ चुका। ये देखिए पिन नंबर 8, पिन नंबर 13 और पिन नंबर 15 को जोड़ दिए। अब चलते हैं पिन नंबर 1। पिन नंबर 1 से ।270 ओम का रेजिस्टेंस, ये हमारा एक 270 ओम का रेजिस्टेंस को लगाते हैं पिन नंबर 1।
ये हमारा पिन नंबर 1 से 270 का रजिस्टर हमने लगा दिया। अब इसमें एलईडी को लगाते हैं, ये है एलईडी, पिन नंबर 1 से एलईडी का एनोड को जोड़ते हैं। ये हमारा एनोड हो गया, सॉरी इसको उल्टा लगाते हैं, ये ऐसा आएगा, सप्लाई कैसा आएगा, पॉज करो, अब इसका रजिस्ट्रेंस का जो दूसरा सिरा है, ये रजिस्ट्रेशन का एक सिरा हमारा पिन नंबर 1 से जुड़ चुका है, दूसरा सिरा हम इस एलईडी के एनोड के साथ इस पर सोल्डिंग कर रहे हैं, ये हो गया। अब एलईडी का जो बचा कैथोड, ये हमारा कैथोड है, इसको जो पिन नंबर 8, पिन नंबर 13 और पिन नंबर 15 जो अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, इस एलईडी का कैथोड का भी इस पिन नंबर 15 के साथ, मतलब अर्थ के साथ लेके इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये हमारा 15 के साथ आके ये जुड़ चुका है, ये। देखो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा स्किट का पिन नंबर 8, पिन नंबर 13, पिन नंबर 15 और एलईडी का कैथोड आपस में जुड़ चुका है। एक नंबर से रजिस्टेंस लगा 270 ओम का, और रजिस्टेंस के द्वारा एलईडी के एनोड पर भी हमने जोड़ चुका है, जोड़ दिए। अब बचा इसका पिन नंबर 16, पिन नंबर जो 16 है ये सप्लाई का पिन है, तो इस पर और पिन नंबर 14, ये हमारा एंटीना का पिन है, तो सबसे पहले हम इस पे एंटीना का वायर जोड़ते हैं, पिन नंबर 14। इसके लिए कोई भी एक वायर यूज करेंगे, इसके पिन नंबर 14 पे इस वायर को जोड़ देते हैं, ये अपना ये एरियल हो गया। ये पिन नंबर 14 से जुड़ चुका है। अब हमारा ये सर्किट तैयार हो चुका है। अब हमको क्या करना है, जो सप्लाई का पिन है ये अपना पीला रंग वाला, इस वायर को
हम पिन नंबर 16 से क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा पिन नंबर 16। ये अपना 16 इधर आ गया। ये 16 से हम जोड़ दिए। अब ये हमारा प्लस जुड़ चुका है, अब माइनस जोड़ना है। माइनस के लिए पिन नंबर 15, पिन नंबर 13, पिन नंबर 8 ये आपस में जुड़ा हुआ है, इन्हीं पर हम ये दूसरा माइनस था जो बैटरी का जो माइनस वाला वायर को लाके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये हमारा ये जुड़ चुका है। देखिए ये देखिए हमारा सर्किट तैयार हो गया। अब इसमें देखिए ये मैंने इसको दबाया, यहां पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही हम यहां लेके आते हैं तो यहां पे एलईडी ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब है कि इस जगह पे हमारा क्या है, सप्लाई है। तो ये अपना वायरलेस टेस्टर है, इसके माध्यम से हम वायर वगैरह को चेक कर सकते हैं, वायर कहीं से ब्रेक है या नहीं है। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे अब ये नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे हम यहाँ लेके जाते हैं तो देखिए जहाँ भी सप्लाई है हमारा बताना चालू कर देता है। तो इसको भी फिट कर लेते हैं। Let's go.